हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CCC एग्जाम में 25 मई और 26 मई को आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के इन क्वेश्चंस को सेंड किया है हमारे खास व्यूवर्स अंकित जी और प्रीति जी ने। दोस्तों, आप भी एग्जाम देने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको याद हैं आप हमें सेंड कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल है, आप वहां पर हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप वही क्वेश्चन हमें सेंड करिए जो यूनिक हो और इंपॉर्टेंट हो। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन्स को कितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 एंड 5। दोस्तों, आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं और जो भी ऑप्शंस आपको सही लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माउस में प्रथम बटन कौन सा है। काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो माउस में प्रथम बटन जो होता है वो होती है आपकी लेफ्ट बटन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन मेरे पास आया था और मैंने ऐसे ही इसे राइट कर दिया है। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया रहा हो कि अनचाही ईमेल किस फोल्डर में आती हैं। तो आपके चार ऑप्शंस यहां पर हैं, स्पैम, इनबॉक्स, ईमेल एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, स्पैम। अनचाही ईमेल्स जो हैं वो आपकी स्पैम कहलाती हैं और वो स्पैम बॉक्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईमेल बॉक्स में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। दोस्तों, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं 400, 114, 110 और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसके लिए मैंने काफी डिस्कस किया और एटलीस्ट जो भी ऑप्शंस इसमें दिए हैं वो कोई भी ट्रू नहीं हुए। तो आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स का है। ईमेल में अपर केस और लोअर केस का प्रयोग नहीं हो सकता। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दे सकते हैं। ट्रू के लिए आप लिखिए टी एंड फॉल्स के लिखिए एफ। और दोस्तों, इस चीज का आप खास कर ध्यान रखिए कि किस क्वेश्चंस का आप आंसर दे रहे हैं वो भी जरूर इंक्लूड करिए। इससे पहले के वीडियो में हमारे एक व्यूअर्स विनीत जी ने इसका आंसर दिया है लेकिन उन्होंने ट्रू एंड फॉल्स लिखा है जबकि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। तो इससे हमें प्रॉब्लम होगी कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो आप ट्रू क्वेश्चन के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिखिए लेकिन क्वेश्चन नंबर भी साथ में ऐड कर दीजिए। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है ईमेल के बारे में। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप आई बटन पर क्लिक करके भी CCC के वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि ईमेल में अपर केस और लोअर केस का प्रयोग नहीं हो सकता। तो आप ईमेल में अपर केस और लोअर केस का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ईमेल आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यहां पर इसका राइट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला ईमेल किसने भेजा। आपके ऑप्शंस हैं रे टॉमलिंसन, सुंदर गोयनका, भारत गोयनका एंड चार्ल्स बैबेज। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि पहला ईमेल उसी ने भेजा होगा जिसने ईमेल को बनाया होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1, रे टॉमलिंसन। दोस्तों, यहां पर सुंदर गोयनका एंड भारत गोयनका दिया है, इन्होंने निर्माण किया था टैली सॉफ्टवेयर का एंड चार्ल्स बैबेज तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है। आपके ऑप्शन हैं पहला शिक्षा के लिए, आवास के लिए, स्वास्थ्य के लिए और चौथा है जुआ और शराब के लिए। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप जल्दी से हमें कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि बैंक से शिक्षा के लिए भी ऋण मिलता है, आवास के लिए भी ऋण मिलता है,
स्वास्थ्य के लिए भी ऋण मिलता है, लेकिन बैंक गंदी आदतों के लिए आपको ऋण नहीं देता है। इसका मतलब जुआ और शराब के लिए बैंक आपको ऋण नहीं देता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन CCC के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर नेम और डोमेन नेम को @ अलग करता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यूजर नेम एंड डोमेन नेम को @ सिंबल अलग करता है। आप देखते हैं कोई भी ईमेल आईडी है, जैसे abhayexcelcomputer@gmail.com, तो इसमें abhayexcelcomputer वो है आपका यूजर नेम एंड @ उसको अलग करता है, लास्ट में जो आपका gmail.com है ये है आपका डोमेन नेम। दोस्तों CCC में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और ये होता है कि ईमेल आईडी कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ईमेल आईडी दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक यूजर नेम और डोमेन नेम, @ को जोड़कर तीन भाग हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं M, W और P। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, यहां पर Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+W या Ctrl+P नहीं दिया है, यहां पर ओनली N, M, W और P दिया है। और दोस्तों अगर Ctrl+M, Ctrl दिया होता तो बहुत सारे लोगों को पता होता, लेकिन यहां पर सिंपल N। दोस्तों पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर सिंपल वर्ड भी एक शॉर्टकट की का काम करते हैं। तो दोस्तों यहां पर प्रीवियस स्लाइड के लिए जो यूज होता है वो होता है आपका P। अगर आपकी दो चार स्लाइड्स हैं तो वहां पर P का यूज प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए करते हैं। और कैसे होता है ये मैं आपको करके दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर जैसे मैंने तीन स्लाइडें ली हैं, और ये कैसे वर्क करेगी ये आप देखिए। यहाँ पे स्लाइड शो पे जाते हैं और हम कर लेते हैं इसको लूप, और यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग दे देते हैं थोड़ा सा हम, और उसके बाद यहाँ पे कट यस कर देते हैं। और दोस्तों जब यहाँ पर हम फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये हमारी स्लाइड्स आगे बढ़ रही, मुझे प्रीवियस पे आना है। देखिए जैसे मैंने पी किया, ये देखिए आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही पी करेंगे वैसे ही आपकी प्रीवियस स्लाइड यहां पर आ जाएगी। और इसी तरह दोस्तों जैसे ही आप एन प्रेस करेंगे वैसे आपकी एक नेक्स्ट स्लाइड भी आती रहेगी। तो प्रीवियस आप करेंगे तो आपकी पीछे वाली स्लाइड, एंड एन करेंगे आप तो वहां पर आपकी एक नई स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ऐसे दोस्तों वहां पर एक ऑप्शन दिया है W का, तो दोस्तों W जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो व्हाइट हो जाएगी, आपका जो स्लाइड जो है वो रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक्सेल 2016 का एक्सटेंशन क्या होता है? आपके ऑप्शन है .xlx, next.xlsx and .xlxs and .xlxx। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फर्मवेयर का दूसरा नाम रोम है। तो दोस्तों ये बिल्कुल फाल्स है, फर्मवेयर का दूसरा नाम रोम नहीं होता है। फिर दोस्तों PPT में केवल स्लाइड होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, सेकेंड आपका POP, थर्ड UDP और चौथा है IM। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, IM। IM दोस्तों होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, वो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, जबकि आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह दोस्तों UDP क्या होता है आपका? यूजर डेटा प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है आपका IM, इंस्टेंट मैसेजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सेल में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है और काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। आपके आंसर है Alt प्लस Shift प्लस F1, Shift प्लस F11, Control प्लस 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों A और B दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर है A और B दोनों, लेकिन ये कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप प्रेस करेंगे Alt Shift एंड F1 तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे यहां पर सीट 4 आ गई है। फिर से आप देख लीजिए, मैंने यहां पर प्रेस किया Alt, फिर से आप यहां पर देख लीजिए मैंने प्रेस किया Alt Shift एंड F1 तो यहां पर एक सीट और आ गई है, सीट 5। ऐसे दोस्तों अगर आप Shift के साथ में F11 प्रेस करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नई सीट यहां पर सीट 6 आ गई है। दोस्तों आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों, क्योंकि Alt प्लस Shift प्लस F1 से भी हम नई सीट जोड़ सकते हैं और Shift प्लस F11 से भी हम नई सीट जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी मशीन भाषा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं बाइनरी कोड, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ है आपका ए और बी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बाइनरी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर घड़ी की गणना किस में की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज एंड बीट पर सेकेंड। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में हम कंप्यूटर घड़ी की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लैपटॉप मोबाइल व स्मार्टफोन में प्रयोग होने वाली तकनीक कौन सी है। कोएक्सियल केबल, एसटीपी, ऑप्टिकल फाइबर एंड वाईफाई। दोस्तों यहां पर ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शंस दिए हैं इनका यूज हम दोस्तों लैपटॉप्स में करते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में करते हैं, जबकि दोस्तों वाईफाई जो है वो हम लैपटॉप में भी यूज करते हैं, मोबाइल में भी यूज करते हैं और स्मार्टफोन में भी यूज करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, क्या HTTP इंटरनेट पर एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि HTTP जो होता है वो एक विश्वसनीय प्रोटोकॉल नहीं होता है, जबकि HTTPS जो होता है वो आपका एक विश्वसनीय और सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए दोस्तों बैंकिंग के समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हम HTTP का प्रयोग ना करके HTTPS का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, क्या HTTP इंटरनेट पर एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो अलग अलग नेटवर्क के मध्य गेटवे के स्थान पर कौन सा नेटवर्क डिवाइस प्रयोग कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं राउटर, स्विच, हब एंड ब्रिज। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, मेरे पास ये क्वेश्चन 2-3 लोगों ने सेंड किया है और दोस्तों क्वेश्चन तो वही है लेकिन ऑप्शंस में क्या है कि कुछ लोगों ने लास्ट में जो ब्रिज लिखा है यहाँ पर कुछ लोगों ने इसमें नन भी लिखा है, नन ऑफ दीज भी लिखा है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो भी याद है आप सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन सेंड करिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसके ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चन में कोई फेरबदल मत करिए, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई फेरबदल करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है उस क्वेश्चन को समझने और पढ़ने में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चेंजिंग हुई है वो चेंजिंग सिर्फ ऑप्शंस में है, जबकि ब्रिज उसका राइट आंसर है भी नहीं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां पर जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका राउटर। दोस्तों जो राउटर है उसका उपयोग हम गेटवे के स्थान पर कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, जब आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो कितने डिफॉल्ट प्रिंटर होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। दोस्तों ये कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। दोस्तों जब यहां पर आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी करते हैं
तो यहां पर दोस्तों एक ऐसा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है। यहां पर देखिए दोस्तों प्रिंटर का ऑप्शन है और यहां पर कई सारे प्रिंटर्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, जबकि ये सारे प्रिंटर्स आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखते हैं दोस्तों। यहां पर जो आपको नीचे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर, सिर्फ ये प्रिंटर आपको स्टार्टिंग में दिखता है, जबकि और सारे जो प्रिंटर्स हैं ये प्रिंटर्स बाद में इंस्टॉल किए जाते हैं दोस्तों। ये प्रिंटर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल तो है लेकिन ये फिजिकली रूप में वर्क नहीं करता है, जबकि और जो प्रिंटर्स हैं उसे आप बाद में इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में और वो फिजिकली रूप से आपके सिस्टम में वर्क करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट वन, एक ही डिफॉल्ट प्रिंटर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडम से भेजे जाने वाला डाटा किस रूप में होता है, एनालॉग डिजिटल वेव्स एंड उपरोक्त सभी। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी लास्ट में आए आलाप एबप तो आप आंख बंद करके आलाप एबप पे टिक कर दीजिए, लेकिन दोस्तों ये जो तुक्का लगाते हैं आप ये 100% सही नहीं होता है। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप टिक करिए। अगर आपको आ रहा है तो आप राइट आंसर पे टिक करिए और नहीं आ रहा है तो फिर आप तुक्का लगा सकते हैं। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडम से भेजा जाने वाला डाटा किस रूप में होता है। तो मॉडम से जो भी डाटा भेजा जाता है पहले उसे एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है फिर उसे सेंड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एनालॉग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, प्रत्येक पेज के तल पर फुटर प्रिंट होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो फुटर होता है वो हमेशा पेज के तल पे बॉटम पे होता है और जो हेडर होता है वो हमेशा शीर्ष पे मतलब ऊपर होता है अप में होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है आपका। क्या एक प्रिंटर से कई कंप्यूटर एक साथ प्रिंट दे सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब आपका प्रिंटर एक नेटवर्क से जुड़ा होता है तब आप एक प्रिंटर से कई कंप्यूटरों को एक साथ प्रिंट दे सकते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रिंटर को चार पांच कंप्यूटर से जोड़ रखा है और उनके मध्य में नेटवर्किंग है तो आप एक साथ सभी कंप्यूटरों से प्रिंट दे सकते हैं और वो प्रिंटर आपको प्रिंट आउट करके भी देगा। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से टुगल केस का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन हमारे पास सेंड किया है हमारे अजय जी ने, और ये क्वेश्चन अभी 26 मई को ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, पहला जिसमें सभी अपर केस में है, दूसरा दोस्तों जो ऑप्शन है उसका उसमें एक कैरेक्टर आपका अपर केस में है, एक लोअर केस में, फिर आपका एक अपर फिर एक लोअर ऐसे है। थर्ड है दोस्तों जिसमें पहला कैरेक्टर आपका लोअर केस है, बाकी वर्ड्स का जो कैरेक्टर है वो अपर केस में। यहां पर देखिए प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर लोअर बाकी अपर, लास्ट में क्या है पहला अपर बाकी लोअर। दोस्तों ये टुगल केस का जो ऑप्शंस होता है वो होता है आपके एमएस वर्ड में, और कैसे वर्क करता है थोड़ा आप देख लीजिए। यहां पर दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, थोड़ा इसके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है चेंज केस का, और ये क्वेश्चन आपके इसी ग्रुप से लिया गया है, फॉन्ट ग्रुप में इसी टूल्स का वहां पर यूज पूछा गया है। यहां पर आप देखेंगे आपको मिलेगा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टुगल केस का। दोस्तों लोअर केस आप करेंगे तो आपके सभी कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, अपर केस अगर आप करेंगे तो सभी कैरेक्टर्स आपके अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर में, एंड यहां पर अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर जो है वो बड़ा होगा बाकी सभी कैरेक्टर्स आपके छोटे होंगे। वहीं अगर आप यहां पर टुगल केस पर क्लिक करते हैं तो प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होता है वो होता है छोटा और बाकी सभी कैरेक्टर्स होते हैं आपके बड़े। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, जिसमें पहला कैरेक्टर आपका है छोटा बाकी सभी कैरेक्टर्स हैं आपके अपर केस में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, IPv4 कितने बिट का होता है? आपके ऑप्शंस हैं 32 बिट, 64 बिट एंड 128 बिट, और इनमें से कोई नहीं। इससे पहले के भी कुछ वीडियोस में हमने एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड
बताया था, डिस्कस किया था कि आईपी कितने बिट का होता है, तो वहां पर 4 बिट, 16 बिट, 28 बिट ऐसा कुछ ऑप्शन था। और यहां पर जो है वो है IPv4। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर V4 है कि V6 है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाता है। तो यहां पर है IPv4 कितने बिट का होता है, दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 32 बिट का। तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आसानी से आप ऐसे ही वीडियोस को देख सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो आप एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिए। वहां पर आपको सिर्फ ट्रिपल सी ही नहीं, ओ लेवल, HTML, फोटोशॉप, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ऑनलाइन इनकम्स, ये बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे जो अभी अपलोड भी हो रहे हैं। उन वीडियोस को आप देखिए, अगर वो वीडियोस आपको पसंद आते हैं तब आप उन वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।